नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आपके लिए मैं कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और कोविड में आप मास्क लगा के रखिए। नोटबंदी से कौन बर्बाद, इसका क्या नुकसान? या कोई गरीब, या कोई अमीर, या जिसका सारा पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ है और टैक्स भरा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं, तो बर्बाद कौन हुए? टैक्स चोरी करने वाले, सरकारी घुसखोर अफसर, गलत तरीके से कमाई करने वाले, मार्केट से बाहर सिर्फ नगद में काम करने वाले, उसमें भी छोटा मोटा व्यापारी नहीं, बड़े व्यापारी जो काला धन रखते, नेता लोग और सरकारी काम करने वाले जो घूस लेकर काम करते हैं, क्योंकि वे सब नगद घूस। आज मार्केट में भी नगद लेन देन में बहुत कमी आ गई। ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से खत्म हो गया है, पर लगाम जरूर लग। जो लाइन में लगे लोग दिखे थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग नेताओं के चमचे थे। बड़ी कंपनियों के मालिकों ने काम करने वालों को बैंक के लाइन में खड़ा किया। विरोधी और मीडिया वाले उनको भी गरीब बता रहे थे। ऐसा नहीं है लोगों को बिल्कुल तकलीफ ना हुआ हो, ऐसा हुआ पर उतना नहीं। उसमें हमारे राहुल गांधी जी भी जो फटे हुए जेब वाला कुर्ता पहनकर बैंक लाइन में फोटो खिंचवाए थे, क्योंकि सरकार का विरोध करना था और गरीब भी दिखना जरूरी था। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद लगा सकते? कुछ लोग तो इनको पीएम बनाने के लिए आतुर है। तो मोदी के नोटबंदी से देश को खोखला करने वाले जरूर बर्बाद, यह आप बखूबी समझ गए होंगे। अगला जो है तीन तलाक से कौन बर्बाद हुआ? तीन तलाक देने वालों को भी मोदी ने नया कानून लाकर उन पे रोक लगाई। इससे क्या हुआ ये भी देखते हैं। तीन तलाक से हर मुस्लिम समुदाय की महिला जीवन में असुरक्षित रहती थी। इसका फायदा भी समाज के कुछ लोग बखूबी उठाते थे और महिलाओं को जब चाह मजाक बना दिया, घर से निकाल दिया, मोबाइल से, चिट्ठी से, मैसेज देकर या व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी तलाक देने लगे थे। सोचिए उस महिला के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसका घर उजड़ जाए बिना कारण के। पहले तो तीन तलाक से एक महिला बेघर की जाती है, फिर उसके साथ जो बच्चे होते हैं उनको भी एक अनाथ की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हर महिला कमाने के काबिल नहीं होती है या काम नहीं कर पाती है जिससे घर के खर्चा चला पाए और उन बच्चों को अच्छी तामील और जिंदगी दे सके। फिर वैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ ही जाते हैं, पढ़े लिखे ना होने के कारण सही काम नहीं मिलता और फिर गलत रास्ते में फंस भी जाते हैं और कुछ लोग फंसा देते हैं। उनकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाता है। तीन तलाक कभी कभी कोई गलती से गुस्से में आकर भी दे देता था, तो उसको भी अगर फिर से अपनी ही बीवी को अपनाने हैं तो उसके बीवी को हलाला के कायदे से गुजरना पड़ता था। इसमें महिलाओं का काफी शोषण किया जाता था। एक परिवार ना चाहते हुए भी नरक जैसे नियम को मानना पड़ता था। तो तीन तलाक से हमारी महिलाओं को एक सुरक्षा कवच मिला और इसके आड़ में महिलाओं और परिवारों का दुरुपयोग करते थे। उचित संसाधन और व्यवस्था मिले तो सभी विकास कर सकते। खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे का शोषण करना कितना उचित? किसी का परिवार सुखी हो, संपन्न हो तो देश में खुशहाली और लोगों का जीवन उच्च स्तर का होगा। तो आप खुद अनुमान लगाए कि किस तरह के लोग बर्बाद हुए। क्या इस कानून से उनको मोदी जी ने बर्बाद किया? आगे चलते हैं जीएसटी। जीएसटी से पहले वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स के द्वारा सरकारें टैक्स लेती थी। जीएसटी आने से इसमें बहुत तरह की छूट निकाल दी गई, कुछ ही चीजों को छोड़कर। यहाँ तक कि सरकारी कामकाज में भी जीएसटी को लागू कर दिया गया, जिससे किसी को कोई छूट मिलने या कहीं टैक्स चोरी करने के रास्ते बंद कर दिए गए। पूरी जीएसटी सिस्टम ऑनलाइन कर दी गई है। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स वसूली, भरने और कैंसिल करने का काम ऑनलाइन ही किए जाते हैं। जो सरकारी बाबू टैक्स विभाग में नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों की घूस वाला इनकम रुक गया, क्योंकि वे रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स वसूली तक घूस लेते थे।
चोरी में शामिल होकर बहुत पैसा उगाही करते थे और समय पर काम नहीं करते। यकीनन उनका इनकम सरकारी पगार से कहीं ज्यादा घूस खाकर जमा करते थे और सरकारी खजाने को पूरा चूना लगाते थे। अब जीएसटी आने से इसमें काफी कमी हो आ गई है। किसी को जीएसटी ऑफिस का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी भी वैट से सर्विस टैक्स और सर्विस से वैट करके सरकार को बहुत नुकसान करते थे, क्योंकि तो हम सब सामान को खरीदते हैं, उस सभी सामान पे टैक्स लगा होता है। इसे व्यापारी लोग हमसे वसूल टैक्स को हजम कर जाते थे और सरकारी खजाने पे भट्टा लगता था। टैक्स चोरी करने में बहुत कमी आई है। जीएसटी आने से आप समझ गए होंगे कौन बर्बाद हुआ, क्या हम लोग या खास लोग। अब हम बात करते हैं राम मंदिर, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड हो गया। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आया। यह कई वर्षों से मैटर फंसा हुआ था कोर्ट में। पिछले सरकार नहीं चाहती थी कि इसका कोई निर्णय हो। वो जानते थे कि इसका निर्णय हो जाने से एक वोट मांगने का जरिया खत्म हो जाएगा। मैटर कोर्ट में था, देर हुआ फैसला आने में, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस मंदिर मस्जिद के वजह से लोगों के बीच भाईचारा खत्म करना, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ाने में बहुत आसानी होती थी। मंदिर मस्जिद के नाम पर जब चाहे अनाप शनाप बोलो एक दूसरे के खिलाफ और लड़ा दो, और तो उसका एक जड़ खत्म हो जाए तो किसी आम आदमी का क्या नुकसान फायदा। पर नेताओं को राजनीति जो करनी है, लोगों को लड़ा के मरवा के। मंदिर मस्जिद के नाम पे कई लोगों ने तो इसे कमाई का जरिया बना लिया था, क्योंकि विदेशी भी इसमें पैसा डाल रहे थे और अपना दुकान ही चला रहे थे, तो उनका कमाई और दंगाई दोनों बंद हो गए। और इसमें काफी लोग बर्बाद हुए, कितने वर्षों तक, जो अब तक दंगे फसाद नहीं करा पाएंगे। कुछ ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना तो बनता ही है, तो आप सोचिए इसमें बर्बाद कौन हुआ, कोई आम आदमी या एक खास किस्म का धूर्त जो देश को बर्बाद करना चाहता है। तो खुद सोचिए मोदी जी के इस समस्या को निपटा लेने से किसका करियर बर्बाद हो। अब अगला जो हम बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर से 370 हटाना। यह 370 एक तरह से ऐसा था जैसे कि एक देश में दो संविधान, दो सरकार, और उसमें भी हाथ मारता था पाकिस्तान। 370 हटने से कुछ नेताओं की राजनीति खतरे में पड़ गई। भारत के जो पैसा कश्मीर को दिया जाता था, वहाँ के नेता सफा चट कर जाते और लोगों तक नहीं पहुँच पाता था। अब वहाँ केंद्र का कंट्रोल रहेगा, राज्य के नेताओं की हाथ बांध दिया गया, और जो खुद देश के खिलाफ आग उगलते रहते थे उस पर रोक लग जाएगी। और हमेशा डराते थे कि 370 हटाया जाएगा तो खूनी खेल खेला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होना दिया गया। और आज कश्मीर के लोग सामान्य जीवन अच्छे से जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। इससे भी आप समझ गए कि कौन बर्बाद हुआ, मोदी के वजह से। अब हम ताजा ताजा बात करते हैं किसान बिल का। नया किसान बिल में यह प्रावधान किया गया है, किसान अपना फसल मंडी के अलावा बाहर के मार्केट में भी बेच सकते हैं, और सरकार भी जैसे खरीदती है वैसे ही फसलों को खरीदी करेगी। पर इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हुई। तो किसको हुई? जो फसल खरीद बिक्री करते हैं वो किसान नहीं होते, क्योंकि उनका दलाली खत्म हो जाएगा और किसानों को अपना सामान खुद बेचने का अधिकार मिल जाएगा। फिर बिचौलिए जो फायदा कमाते थे बिना कुछ किए, तो उनको पेट दर्द और बदतमीजी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई आम किसान जो खेत में काम करता है वो रोड पे जाकर हड़ताल करेगा। तो समझ गए किसको कितना तकलीफ है और कितना बर्बाद हुआ। फिर मिलेंगे एक नए विचारों के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए, परिवार का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।